ऑलराइट, तो आज की वीडियो उनके लिए है जिनको मेंटेनेंस का इंटरिम मेंटेनेंस या फाइनल ऑर्डर पास हो गया है, लेकिन फिर भी जो हस्बैंड है वो ना तो आते हैं कोर्ट में और ना ही वो मेंटेनेंस देने के लिए रेडी है। तो ऐसे केसों में आपको क्या करना चाहिए? तो ऐसे केसों में हमारे पास एक प्रोविजन है सेक्शन 128 ऑफ सीआरपीसी, यानी कि एनफोर्समेंट ऑफ डिक्री और ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, यानी कि आपने एनफोर्समेंट कराने के लिए आपने एक एप्लीकेशन मूव करनी है उसी कोर्ट में विद उस जजमेंट के साथ, यानी आप ऑर्डर के साथ आपने उस कोर्ट में एक एप्लीकेशन मूव करनी है। अब कोर्ट क्या करेगा, उनको आदेश देगा कि भाई किसको, हस्बैंड को, कि भाई आपने ये आपकी अगेंस्ट डिग्री पास हुई है, ऑर्डर पास हुआ है, तो आप कृपया मेंटेनेंस दें। अब मान लो मेंटेनेंस नहीं देते या फिर भी नहीं आते तो क्या होता है, फिर आपके पास ऑप्शन है कि आप बेलेबल वारंट उनके खिलाफ निकलवाएं। अब बेलेबल वारंट में क्या होगा, कोर्ट ऑर्डर देगा पुलिस को कि भाई आप बेलेबल वारंट उनके खिलाफ निकालें, पुलिस उनको अरेस्ट करेगी, बेल भर के आनी पड़ेगी उनको, तब जाके उन्हें रिलीफ मिलेगा। ओके, तो ऐसे से क्या, इससे क्या होता है कि एक सिक्योरिटी हो जाती है बचने के लिए, जहां वो 15,000 रुपीज बेल भरने के लिए तैयार हो जाएगा तो वो आपको मेंटेनेंस देने के लिए भी तैयार हो जाएगा। सो आई होप इट इज क्लियर। बाय।